Kunal's friends are finally here. These are some of the most renowned chefs, connoisseurs, food columnists, critics, and historians in the country. मेरी जो जर्नी थी थालीज की वो खत्म हो रही है और जब खत्म होता है एक अच्छा एक्सपीरियंस आई थिंक द बेस्ट इज टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आज मैंने आप सबके लिए एक खूबसूरत सी थाली तैयार की है और हर एक कटोरी मेरा एक एक्सपीरियंस की तरह है और खूब सारी बातें होंगी बहुत बढ़िया खाना होगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट द डाइनिंग टेबल हिंदुस्तान के हर रीजन में अपनी थाली होती है एंड देयर ऑल वन बेटर देन द अदर सो आई एम रियली वंडरिंग व्हाट इज इट दैट कुनाल्स डन हियर दैट्स गोइंग टू मेक दैट डिफरेंस विल इट बी अ थाली फ्रॉम वन रीजन और विल इट बी समथिंग एल्स आई एम टू एक्साइटेड एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द थाली टू कम इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज कुनाल हैज ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसिंग सच अ डाइवर्स फूड आई एम ओनली वंडरिंग व्हाट इज इट गोइंग टू बी कुनाल अंग्रेजी की कहावत है कि इट इज़ बेटर टू ट्रैवल होपफुली देन टू अराइव अब ये पिछले दो महीने तक तो आप सफ़र कर रहे थे अब जब मंजिल पे आप पहुंच गए हैं तो हाउ डज़ इट फील डज इट रियली फील दैट द ट्रैवल वाज मोर एंजॉयबल और द डेस्टिनेशन आई थिंक आफ्टर दिस 45 डेज आई हैव अ स्टोरी टू टेल एक जर्नी ली थी थालीज ऑफ इंडिया डिस्कवर करी थी फॉर मी इट इज़ लाइक एन रिमेम्बरेंस कि मैंने ऐसा कुछ किया था शेफ Toasting to your journey, toasting to new experiences and learning, and to India. To India. Cheers. So this is passion fruit. Yes. And how is it part of the thali? Like from which state did you get this? जब मैं कूर्ग में था, तो वहाँ पर जो local सब्जी वाले थे, उनके पास ये passion fruit था. I asked them कि मतलब imported fruit है? कहते नहीं, ये local है, यहीं पर उगता है. और कूर्ग में लोग क्या करते हैं? इसे खरीदते हैं. और specific लोग हैं. छोटे छोटे घर है जो इसका शरबत बनाते हैं अब शेफ ये तो आपने कुड़वा जो होमलैंड है कुड़गा जिसे अंग्रेज लोग कहते थे वहां से इसको तलाश के निकाला आपने किन किन और सूबों में यात्रा की और क्या क्या वहां से लेके आए करीबन 14 सूबे थे और 30 थालियां जो मैंने चखी हैं समझी हैं और जो डाइवर्सिटी थी थालियों के अंदर कुछ कश्मीर से है तो कुछ आसाम से है कुछ तमिलनाडु से है तो कुछ जैसलमेर से है मतलब दैट वाज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया जहां से सारी थालियां आई तो आपको क्या सिमिलैरिटी लगी कहीं तो कुछ होगा कि जो आपस में लगता है हाँ ऐसा सा था कुछ जो मैंने साउथ में देखा था यही मैं कश्मीर में देख रहा हूँ तो वही एक है ना जो डाइवर्सिटी एंड येट यूनिटी यस आई थिंक हर एक थाली का जो जज्बा होता है सर्व करने का आई थिंक दैट वॉज द कॉमन थ्रेड ये थाली थी जो घर पर लोग पैशनेटली बनाते हैं और ये थाली एवरी डे नहीं बनती स्पेशल ओकेजन्स पर बनती है सो इट्स ड्रिवन बाय लव एंड नॉट फॉर एनी कमर्शियल वैल्यू थाली को सोचते ही आपके जहन में पहली चीज क्या आती है एक फ्रेंच वर्ड है देगस्तासियों जिसमें टेस्टर्स मेन्यू एक तरह से ले लीजिए उसको और पैलेट फिटीग हो जाता है जैसे जब आप एक चीज को कई बार खाते हैं तो उसका स्वाद मुंह में आना थोड़ा कम हो जाता है थाली में आप ना ही उस स्वाद को तोड़ सकते हैं बार बार एक को खाया फिर कुछ और खाया फिर कुछ और खाया और दूसरा एक लिटरली एक देगस्तासियों की तरह है कि इतनी सारी चीजें मेरे मुंह में पानी आ रहा है थाली के बारे में दैट इज हाउ थाली शुड बी आप इतनी सारी चीजें एक ही टाइम पे टेस्ट कर सकते हैं अच्छा जैसे आप बता रहे थे कि आपको पैशन फ्रूट आपने जो कूर्ग में डिस्कवर किया आपकी जो एक्सपीरियंसेस रहे इस दौरान आपने और ऐसी क्या क्या चीज़ें डिस्कवर करी जहां आपको लगा कि ये हमारा अपना था और अभी तक हम सोच रहे थे ये कुछ बाहर से आया है ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि शायद ये इम्पोर्टेड वेजिटेबल है जो इस्तेमाल करिए लेकिन वो यहीं की थी जैसे ग्रीन ऑबजीन सो ये ग्रीन ऑबजीन अक्सर हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मिलता है लेकिन जब मैं उड़पी गया वहाँ पर मैंने ये पर्टिकुलर जो बैंगन खाया जिसका नाम था मट्टू गुल्ला सो मट्टू गुल्ला हुल्ली ये एक डिश का नाम है एंड इट वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मट्टू इज द विलेज जहाँ से पर्टिकुलर बैंगन आता है गुल्ला मीन्स बैंगन एंड हुल्ली मीन्स सांबर खास बात इसकी ये है कि ये जो बैंगन है इसका जो फ्लेवर है प्लस इसका जो टेक्सचर है इट्स लाइक अ स्पॉन्ज एंड जैसे आप बैंगन को पकाते हैं थोड़ा सा लिम्प होके बिल्कुल ही वो घुल सा जाता है इट स्टेज फर्म एंड इट अब्सॉर्ब्स द सांबर और उसके बाद जब आप वो खाते हैं वो पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ बैंगन इट इज अ ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स इन माय माउथ
अनायता, यू हैव समथिंग टू ऐड कि मतलब थाली को सोचते ही कुछ जहन में आता है कि मतलब पारसियों का दिमाग जैसे चलता है कि नॉन वेज कहाँ है मतलब थाली में, बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि इफ यू गो फॉर अ पारसी वेडिंग यू गॉट मेनी मेनी डिफरेंट कोर्सेज एंड इट्स कॉल्ड यू नो लाइक लगनु भोनु इज व्हाट इट्स कॉल्ड, सो दैट्स द फूड फॉर द वेडिंग फीस्ट. व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक अबाउट माय फेवरेट्स एंड आई थिंक अबाउट द चिकन फारचा और आई थिंक अबाउट द किड गोस, आई थिंक अबाउट द रोटली, द वे दे यू नो फोल्ड इट इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड गिव इट द टोपली नु पनीर, व्हिच इज you know something which is like a lost art completely. And when I also travel through Bombay, maine dekha ki wo topli wale jo pehle hote the jo little baskets mein they would yeah. give you cheese. fresh cheese, lekin mujhe bahut zyada maza aaya jab thode se interesting facts mujhe pata chale parsi thali ke bare mein. jo parsis hain wo kele ke patte pe thali khate hain, right? yeah. uske niche koi plate nahi hoti, kele ke patte pe, aur weddings mein serve hoti hai thali. और जब वो थाली खाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब भी केले के पत्ते पे सर्व होते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं, वो टेबल और चेयर पे बैठ के खाते हैं. प्लस इट डजंट एंड देयर, स्पून फोक नाइफ सब चाहिए होता है केले के पत्ते के ऊपर. बट खूब सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले खाना, उससे शुरुआत करते हैं. बातें साथ में होती रहेंगी, चलती रहेंगी. ये बताइए शुरू कहाँ से करी इतनी सारी चीजें? Well, because ये एक ऐसी थाली है जिसके अंदर अलग अलग कम्युनिटीज का पहचान है, उनका फ्लेवर है. सो ऑब्वियसली देयर कैनॉट बी अ लॉजिकल वे टू स्टार्ट दिस, लेकिन शुरुआत करते हैं स्टार्टर्स से. ये मछली है हमारे पास, या चटनियाँ हैं, पोड़ी है, इनसे स्टार्ट कर सकते हैं. ये तब से माच है. तोपसे माच है बंगाल से. यू मस्ट बी नोइंग इट्स मैंगो फिश, सो यू वोंट गेट तोपसे माच थ्रू द ईयर. या And you are supposed to have it with the head. Actually, it's a delicacy, and you give it like we always have in Bengali food. You'll have dal and your vegetable, but with the dal, we'll have a fish fry usually. So that's why. और Bengalis को अपने fish से बेहद प्यार है. Yeah. बेहद प्यार है. थाली देखकर आप बता देंगे कि वो कौन सा season है. हिलसा, I think बारिशों में आती है. Yeah. अलीश, उसके बाद तोपशे आती है. Topshe will come. Also, even in the poorest homes, you will find they'll make at least one piece of fish will be made. Fish every day is always made. It's a daily thing. Let's begin. Oh, it's yummy. Really nice. Very good fish. Nice. And best part topshe ki hai ki andar jo uska flesh hota hai, bahut zyada flaky, bahut zyada soft hota hai. Bilkul rui ki tarah. And Rashid, जब बंगाली वेडिंग होती है तो दुल्हन की तरह लड़की के अलावा किसी और को भी सजाया जाता है. The fish will go. So, like आज हम लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं. So much more fun, you know. So जो भोरी कम्युनिटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है उनके यहाँ पे कि जब भी वो खाना खाते हैं तो एक बड़ा थाल होता है. आठ लोग एक साथ थाल खाते हैं और थाल जमीन से थोड़ा ऊपर होता है. It bonds people together. थाल एक है, इसलिए सब एक साथ आते हैं, conversations होती है, भाईचारा बढ़ता है. भोरी कम्युनिटी में खाना नमक से शुरुआत होती है, जबकि गुजराती मीठे से करते हैं और बंगाली कड़वे से. कुणाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि थाली में नमक होता है, तो वो जो नमक दिया गया है क्या वो आप खाते हैं? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो भोरी कम्युनिटी है वो हल्का सा चखते हैं. अच्छा. उडुपी के अंदर जो कृष्णा भक्त हैं, वो क्या करते हैं, टुवर्ड्स द एंड थोड़े नमक के ऊपर हल्का सा पानी डाल देते हैं. जैसे वो पानी डालते हैं, इट मींस दैट इज द एंड ऑफ द मील. दिस इज द लर्निंग यू गेट.